नमस्कार, आज हम तिरामिसू बनाएंगे। तिरामिसू एक इटालियन डेसर्ट है। हम इसे आज ब्रेड से बनाएंगे, जो कि केवल 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तिरामिसू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला डेसर्ट है। इसके लिए हम फ्रूटी ब्रेड लेंगे, 2 टेबलस्पून पनीर लेंगे, पाउडर शुगर लेंगे स्वाद के अनुसार, वेनीला एसेंस लेंगे और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लेंगे। साथ ही में हम 1 ग्लास लेंगे, जिसमें हमें इसे सेट करना है। हम सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर में 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाल देंगे, ताकि कॉफ़ी का फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए। अब हम ब्रेड तैयार करेंगे, तो जिस कप में हमें बनाना है उस साइज़ का एक कटर या ग्लास लेके हम ब्रेड के राउंडल्स काट लेंगे, या जिस शेप में ग्लास है उस शेप में काट लेंगे। अगर आपके पास फ्रूटी ब्रेड नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप कॉफ़ी पाउडर में पानी के साथ थोड़ा सा वेनीला एसेंस और थोड़ा सा पाउडर शुगर डाल दीजिए। अब हम पनीर तैयार करेंगे। पनीर को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसमें 2-3 ड्रॉप्स वेनीला एसेंस डाल लेंगे। वेनीला एसेंस से पनीर का फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। अब हम इसमें करीबन 1/2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी हम बाद में और डाल लेंगे, अभी हम इसे मिक्स करके टेस्ट चेक कर लेंगे। अगर पनीर बहुत ड्राई है तो इसमें हम 2-3 ड्रॉप दूध डाल लेंगे। मुझे पनीर ड्राई लग रही है तो मैं इसमें ज़रा सा दूध डाल लूँगी। पनीर में दूध डाल के हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें इसे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में लेकर आना है। इसमें चीनी अभी भी कम लग रही है तो और 1/2 टेबलस्पून हम चीनी मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से क्रीम कर लेना है। ज़रूरत के अनुसार बीच में दूध मिला लेंगे हम, और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक इसको हम चला लेंगे। अभी ये बिल्कुल तैयार है। अब हम तिरामिसू असेंबल करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम ब्रेड लेंगे और उसमें कॉफ़ी का डिकॉक्शन डालेंगे। हमें ब्रेड को एक तरफ से पूरी तरह कॉफ़ी से कोट कर लेना है, लेकिन ब्रेड सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो फर्म ही रहना चाहिए। यानी एक तरफ डाला है कॉफ़ी, दूसरी तरफ नहीं पहुंचना चाहिए। अब हम इसे ग्लास में डाल लेंगे और ये डालने के बाद हम इसमें 1 स्पून या 1 से 2 स्पून क्रीम का लेयर डालेंगे। इसी तरीके से हमें लेयरिंग करनी है ब्रेड और क्रीम की। हमें यहाँ 3 ब्रेड का यूज़ हुआ था, 1 ब्रेड रह गया। तो जितना आपका ग्लास का साइज़ है या जिस बर्तन में सेट कर रहे हो उसका साइज़ है, उस हिसाब से ब्रेड यूज़ करेंगे। अब तिरामिसू तैयार है। हम ग्लास के साइड्स को एक बारी क्लीन कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रीम लगा है उसे हटा लेंगे। साथ ही में हम ऊपर कोको पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। कोको पाउडर से एक थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। कोको पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद तिरामिसू बिल्कुल तैयार है। इसे 15 मिनट हम फ्रिज में रखेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर खा सकते हैं। तो तिरामिसू बिल्कुल तैयार है। आप बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।